जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में बताएंगे, आप घर बैठे अपने फ़ोन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने किसी ब्राउज़र गूगल सर्च बार पर, और वहाँ पे आकर आपको सर्च करना है ssc.nic.in। सर्च करके डायरेक्ट आपको इस पेज पे आ जाना है, और मैं इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे ही आप SSC का ऑफिशियल पेज पर आएँगे, आपको नीचे आ जाना है। अगर आप पहले से SSC में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉग इन करके फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप पहली बार आएँ तो यहाँ पर न्यू रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू यूजर रजिस्टर पर। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म को भरना है और इसमें क्या क्या फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पर कोई दूसरा गवर्नमेंट ID आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जो भी हो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ID नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद अपना नाम फिल करना होगा, जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स पर वही नाम है यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। और उसके बाद वेरीफाई नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जो आपका नाम है फिर से यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका नाम चेंज हो तो यस या नो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करना होगा, जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स पर। उसके बाद वेरीफाई फादर नेम, फिर से अपना फादर नेम फिल करना होगा। मदर नेम आपको अपना फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मदर डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 5 नंबर में काफ़ी लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं। जैसे आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा है, जो भी यहाँ पे आपको फिल करना होगा मैट्रिक का फिल करना होगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा मैट्रिक कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पढ़ाएँ। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पढ़ाऊँ। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सेम वहीं फिल करना होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद नीचे आपको अपना रोल नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, जो 10वीं में आपका रोल नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा 10वीं का। आपको यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करना पड़ेगा, जब पास हुए हैं आप वो डेट यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जो भी आपका डेट हो आप फ़ोन में करेंगे तो आप कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप अपना जेंडर फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो भी हो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास चल रहा हो, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो अभी चल रहा हो आपके पास वहीं फिल कीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पर और मेल पर OTP जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट फिल करके सेव करके आगे आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ यहाँ पे फिल कर लिया, सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर करूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। मैं आपको इसको सही से एक बार चेक कर लेना है, अगर आपका सही है तो सिंपली से कंफर्म पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरा बता रहा है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एड है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी अपना चेंज कर लेता हूँ। तो फिर से मैंने अपना ईमेल आईडी चेंज करके सेव कर लिया, सिंपली से कन्फर्म पर करूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर जो मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप 14 दिन के अंदर इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आ गया, आप देख लीजिए और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिला होगा। चलिए मैं यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा फिर से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पेस्ट कर लूँगा और मेरे मेल पर एक मैसेज गया होगा, वो उसमें पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए मैं फटाफट पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया है और यहाँ पे जो मैंने मेल पर पासवर्ड गया था वो फिल कर लिया है। लॉग इन पर क्लिक कर लूँगा। जैसे लॉग इन पर क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा। न्यू पासवर्ड जैसे आपका नाम हो तो आप अपना नाम बड़ा अक्षर में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका नाम हो फिल करके @123 या जो भी आप डिजिट डालना चाहें डाल सकते हैं। तो चलिए मैं ओल्ड पासवर्ड डाल के और यहाँ पर अपना पासवर्ड कन्फर्म करके सबमिट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ।
चलिए मैंने सब सही कर लिया। सिंपली यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, क्लिक जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है सेव हो जाएगा, मैं क्लोज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से फिल कर लूँगा, उसके बाद जो मैंने पासवर्ड नया वाला पासवर्ड फिल किया यहाँ पर फिल कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कैप्चा फिल कर लूँगा। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। मैं फ़ोन में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको भी ऐसा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए मैंने कैप्चा फिल करके सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दिया मैंने, और ये पेज मेरा लॉगिन हो जाएगा। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं जो मेरा बेसिक डिटेल्स है वो फिल हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मेरा मिल गया, जो जो मैंने फिल किया सब सही है। सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर करूँगा क्लिक और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर करूँगा क्लिक, तो मेरा ये पेज नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड भी चूज़ करना पड़ेगा जो भी आपका कैटेगरी है, उसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको कोई पहचान चिन्ह फिल करना पड़ेगा जो आपके शरीर पर कट के निशान हो या तिल के निशान हो, आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिसेबिलिटी लंगड़ है तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाए नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फुल एड्रेस फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ से फिल करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना पड़ेगा जो भी आपका पिन कोड हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस कर लेना होगा, नहीं सेम है तो यहाँ पे नो करके दूसरा वाला एड्रेस आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट फिल करके सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सब सही कर लिया, सिंपली सेव वाला ऑप्शन पर करूँगा क्लिक, जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा मेरा डाटा सेव हो गया। उसके बाद अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। आपका फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया, सिंपली सेव ड्राफ्ट पर करूँगा क्लिक, जैसे करूँगा क्लिक ये पेज सेव हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, मेरा फोटो और सिग्नेचर सेव हो गया। सिंपली आई एग्री वाले ऑप्शन के आगे टिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट पर करूँगा क्लिक, जैसे ही क्लिक करूँगा ये फाइनल सबमिट होने लगा, मेरा मेल पे और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर मेरा यही है, मैं कंफर्म पर करूँगा क्लिक। इसके बाद देखिए मेरा मोबाइल मेल पर दोनों जगह ओटीपी जाएगा, मैं ओटीपी फिल कर लूँगा, कोई भी एक आपको फिल करना होगा। चलिए मैं मोबाइल का कट कर देता हूँ, मेल वाले ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। ओटीपी मैंने ओटीपी फिल कर लिया, सिंपली सबमिट पर करूंगा क्लिक, जैसे क्लिक करूंगा मेरा पेज सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरा फाइनली ये ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अप्लाई वाला ऑप्शन, तो आपको सिंपली अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे और भी वैकेंसी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाले ऑप्शन अप्लाई वाले ऑप्शन पर करूँगा क्लिक, जैसे क्लिक करूँगा ये पेज आ जाएगा। इस फॉर्म को भी आपको फिल करना होगा जहाँ पे आपका बेसिक डिटेल जो फिल किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे अपना सेंटर चूज करना पड़ेगा, जो भी आपका सेंटर हो आप यहाँ से अपना सेंटर चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपना सेंटर चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, और फर्स्ट चूज करने के बाद यहाँ पर दो सेंटर और आपको चूज करना पड़ेगा, अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस चूज कर लिया, अपना सेंटर चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस मैंने यस या नो कर सकता, मैं नो कर लूँगा। नो करने के बाद आपको नीचे कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आ जाना नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एज में छूट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सिंपली ये यस या नो कर लेना होगा। उसके बाद आपको आ जाना नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको हाइस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपके पास हो। तो चलिए मैं यहाँ से एक अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले लेता हूँ। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का एड्रेस डालना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद नेम ऑफ डिग्री, आपका डिग्री का नाम आपको यहाँ पे अपना फिल करना होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट पासिंग ईयर, उसके बाद एग्जामिनेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, हिंदी से है या इंग्लिश से है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आप पास हैं या पेयरिंग है ये भी आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ट्रांसलेटर कोर्स का आप या ट्रांसलेशन कोर्स या आपको यहाँ पे पास या पेयरिंग आपको फिल कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सब फिल करना पड़ेगा,
यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी नेम, डिग्री नेम, यहाँ पे रोल नंबर, सब्जेक्ट आपको पासिंग या नहीं फिल करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन यहाँ पे मीडियम आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट ये सब फिल करके आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको नो कर लूँगा और नीचे आएंगे तो और भी आपको यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फुल एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करके, ये आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा फिल करके सिंपल से प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया उसे सब चीज़ यहाँ पे फिल कर दिया, सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर मैं कर लूँगा क्लिक। तो चलिए मैं प्रीव्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स ये प्रीव्यू हो गया। प्रीव्यू करने के बाद आपको आना, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पे एडिट मोडिफाई पर क्लिक करना होगा। आपका अगर सब सही है तो सिंपली सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगर आप जनरल ओबीसी से अप्लाई किए होंगे तो आपको यहाँ पे आपका अपना फी देना होगा। उसके बाद अगर आप एससी एसटी ओबीसी से अप्लाई किए होंगे तो आप ओके कर लेना होगा। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आकर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। इसमें कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।